वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? मैं अभी बिल्कुल भी नहाई नहीं हूँ। बाय द वे, पहले तो आपको टाइम बता देती हूँ, शाम के बजे ऑलमोस्ट 4:15 मोहित अपने ऑफिस से निकल गए हैं और आज उनको खाना है पिज्जा। फ्रोजन पिज्जा लेके आए थे नया, यहाँ मिला हमें बॉम्बे स्टाइल मसाला पिज्जा। नाम सुन रहे हो? नाम सुन के इतना टेम्पटिंग लग रहा है। तो मोहित कुड नॉट वेट, कल शाम को लेकर आए और आज कह रहे हैं कि वो ही खाते हैं चलो डिनर में। तो मैंने अवन प्री हीट करने के लिए लगा दिया है और 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो खाकर पिज्जा आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। मैं अभी तक अपने नाइट वेयर में ही हूँ। मोस्टली यही होता है कि जब मोहित आते हैं घर में देन आई गो एंड टेक अ शावर। तो लेट्स सी, मैं इतनी एक्साइटेड थी वो पिज्जा ट्राई करने के लिए, मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करती हूँ और अगर अच्छा हुआ और जो लोग कैनेडा में रहते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो खाकर ही बताएंगे अब कैसा था। पिज्जा भी इतनी अर्ली खा लेंगे ना, 5:30, वैसे तो हम 6:30 तक डिनर कर लेते हैं लेकिन 5:30 इज लाइक टू अर्ली। सोने में तो हमें 10:30 ऐसे हो ही जाते हैं, तो भूख तो लगने ही वाली है। तो पिज्जा के साथ मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल सूप, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बोल नहीं पाई खाते टाइम, बट गाइस पिज्जा बहुत ही ओके सा था। जो लोग कनाडा में रहते हैं और कॉस्को जाते हैं और इस पिज्जा को देखें, आई मीन इस प्रोडक्ट को देखें, तो आई वोंट रिकमेंड। बहुत ही सिंपल सा था। उसकी जो सॉस होती है पिज्जा की वो बेसिकली टैंगी होनी चाहिए, टमाटो सॉस टाइप, बट वो शाही पनीर की ग्रेवी जैसा टेस्ट कर रही थी जो पिज्ज़ा के साथ बिल्कुल नहीं जा रही। मतलब पिज्ज़ा का फ्लेवर नहीं था, इट वॉजन दैट गुड, आई वोंट रिकमेंड। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। कॉस्को में मिला था या हमें बॉम्बे स्टाइल मसाला पिज्ज़ा ऐसा कुछ नाम था उसका। एनीवे, ये तो था मेरा पिज्ज़ा का रिव्यू। अभी हो गई है रात, सोने वाली हूँ मैं, नींद आ रही हूँ बहुत तेज़। और उससे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि स्टे ट्यून फॉर टुमारो, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। मैं किसी एक बंदे के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे मेरी बचपन की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज याद दिला दी दोबारा से अननोइंगली, और उन्होंने मुझे मेरी शादी से पहले की भी कुछ बहुत ही खट्टी मीठी सी मेमोरीज याद दिलाई हैं। उनकी वजह से मैं बहुत हैप्पी रहने लग गई हूँ आजकल। तो उनको देख कर ऐसा लगता है कि कोई फैमिली का बंदा ही है और फैमिली के साथ और ज़्यादा बॉन्डिंग सी फील हो रही है। तो उनके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगी कल, और अभी के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नवंबर 10th हो गई है। कल रात को मैं आपसे बात कर रही थी और पता है मुझे कल बहुत बाद में याद आया कि मैंने आपको बोला था मैं आपको सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन हमने सूप बनाया ही नहीं। पिज्जा से ही हमारा हो गया था, मूड ही ऑफ हो गया, खाने का ही नहीं मन किया उसके बाद कुछ, तो मैंने सूप नहीं बनाया। लेकिन सूप मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज बनाऊंगी, और अगर ये वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई तो मैं सूप की रेसिपी इसी वीडियो में डाल दूंगी। तो मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रही थी वो एक यूट्यूबर हैं, उनका चैनल का नाम है पापा जैद। एक्चुअली पापा जैद पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान से होने की वजह से वो अपने वीडियोस में उर्दू बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जब मैंने उनकी फ़र्स्ट टाइम उर्दू सुनी थी ना, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा ना उर्दू में ही बात करते थे। आई मीन पंजाबी बोलते थे लेकिन उनके बहुत सारे वर्ड्स उर्दू होते थे, क्योंकि बेसिकली मेरे दादाजी जो है वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे। वो लाहौर से आए थे आफ्टर पार्टीशन, तो जब भी वो अपनी किसी भी बात में कोई उर्दू का ऐसा वर्ड यूज़ करते थे जो मैंने बचपन में बहुत सुना था अपने दादाजी से, तो वो मुझे बार 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 अपने दादाजी की याद दिलाता है। और मेरे दादाजी न्यूज़पेपर भी उर्दू का पढ़ते थे, जब पंजाब में भी थे उर्दू का न्यूज़पेपर मिलता था। तो व्हेन आई वाज स्मॉल हम वहाँ जाते थे छुट्टियों में रहने के लिए, तो आई रिमेम्बर कि वो उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और मेरे दादाजी से ही मुझे ये बात पता चली थी कि उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जबकि इंग्लिश या हिंदी जो है हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड हम राइट की तरफ जाते हैं, बट उर्दू में उल्टा होता है। और ये बात मुझे दादाजी से ही पता चली थी।
दादाजी के अलावा भी मेरे पापा भी की भी मेरे को बहुत याद आती, क्योंकि जब आप उनकी वीडियोस देखोगे, एक तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और जिस तरह के मजाक वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों से या वाइफ से करते रहते हैं, एग्जैक्टली सेम मेरे पापा करते थे. और जैसे वो अपने घर में जैसे अपनी वाइफ से पंजाबी में बात करते हैं, बच्चों से हिंदी में बात करते हैं. मतलब हिंदी नहीं, उनकी उर्दू होती है, हमारी हिंदी उर्दू सेम ही होती है. आप भी देखोगे आपको समझ आ जाएगा, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता. तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अपने वो ही दिन याद आते हैं, व्हेन आई वाज इन द टीन एज या आफ्टर व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड एवरीथिंग, शादी से पहले बेसिकली. तो मेरे पापा इसी तरीके से लेग पुलिंग करते थे, करते क्या थे, अभी भी वो ऐसी लेग पुलिंग करते हैं हमारी. तो उनके मजाक बिल्कुल मेरे पापा जैसे, तो उनको देखकर मुझे मेरे दादाजी की भी याद आती है, मुझे मेरे पापा की भी याद आती है. अब यहाँ पर हम यहाँ रहते हैं कनाडा में, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो जब भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, जब क्या रोज़ ही वीडियोस देखती हूँ उनकी, वो डेली व्लॉगर हैं पापा जैद, तो मैं उनकी वीडियोस ऑलमोस्ट डेली देखती हूँ. तो एक कनेक्टिविटी तो मुझे अपनी फैमिली के साथ फील होती है. और जब आपको इतनी दूर बैठे घर से फैमिली से अपने फैमिली जैसा अपनी तरह बात करने वाला बंदा मिल जाए और प्लस फनी हो, तो फिर दिन बन जाता है बहुत ही एंटरटेनिंग भी लगता है. और अपनी फैमिली के साथ मुझे एक अलग बॉन्डिंग फील होती है, क्योंकि मुझे वो सारी पुरानी मेमोरीज याद आती रहती हैं जो मैंने बहुत इंजॉय की थी अपने बचपन में या टीनेज में. अगर आप मुझे सुन रहे हैं पापा जैद, तो फिर थैंक यू सो मच. आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली लव यू फॉर हु यू आर, द वे यू टॉक, एंड आई लव योर वीडियोज, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू इन्जॉय एंड चेरिश द ओल्ड मेमोरीज दैट आई हैव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स एंड फैमिली. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच लवली वीडियोज, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर द वे यू हैव ब्रॉट अप योर किड्स. दे आर सुपर नाइस पीपल, दे आर रियली रियली नाइस. शाउट आउट टू योर किड्स जो कि कैनेडा में रह कर भी अपना कल्चर नहीं भूले, अपनी लैंग्वेज नहीं भूले, ट्राई करते हैं उर्दू बोलते हैं और अपना कल्चर भी फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं. दे आर रियली नाइस पीपल एंड दे आर हु दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. सो ग्रेट जॉब. कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, पापा शायद मुझे 100% नहीं जानते होंगे. इट्स जस्ट दैट कि मेरे मन में बात थी और मैं चाहती थी शायद वो मतलब मैं ये बात उन तक पहुंचा सकती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू. तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी तो ये बात उन तक पहुंची जाएगी, आई एम श्योर.